अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्लास सिक्स का पेपर आज हो चुका है बच्चों। बारी है इनके आंसर्स की। अपना पेपर निकाल लीजिए, आपकी आंसर शीट आपके पास हुई, पेपर निकाल लें, उसमें टिक कर लीजिए, मैं बताने वाला हूँ सही आपको आंसर। इसके बाद की वीडियो में बात करेंगे कट ऑफ क्या रहेगी, पेपर का लेवल क्या था। चलते हैं अब आंसर की तरफ। पहले का आंसर होगा फातिमा, दूसरे का आंसर होगा इसमें मोरफा, उसके बाद थर्ड का दोस्तों आंसर होगा बच्चों हिमायत करने वाला, फोर्थ का होगा सुभाष चंद्र बोस, पाँचवें का होगा अल्लामा इकबाल, छठे का होगा किताबें किस चीज़ का, इसका होगा इल्मो हिकमत का, इल्मो हिकमत का होगा ये रे भाई। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए लब बुलंद का मुतजाद पस्त होगा, केरला के लोग इसका होगा नारियल का तेल। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी, इसका होगा रीति वाचक क्रिया विशेषण, इसका होगा सूक्ष्म। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इसका होगा आगंतुक, उसके बाद ये छोड़ देते हैं, उसको जो बीत चुका उसे बोलते हैं अतीत। इसके बाद इनमें से कौन सा इसका होगा बाहरी, नेक्स्ट इसका होगा तत्सम, दिन भर इसका होगा रवींद्रनाथ ठाकुर। इसके बाद चुके हम इंग्लिश पे, इसका होगा बैंड ऑफ रॉबर्स, इन अ फिक्स का मतलब होता है सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। इसका होगा ये वाला सवाल थोड़ा सही नहीं है मेरे ख्याल से, इसका आंसर रेजिलियंट तो नहीं होता, यही होगा होगा तो, वरना ये गलत है। नेक्स्ट आई रोट द लेटर बट, इसका होगा सी। नेक्स्ट होगा फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, द यंग बॉय वॉज एक्सट्रीमली नॉटी, इसका ये वाला होगा। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, इसका ये वाला होगा। बता रहे हैं आपको सेवरल, सेवरल का मतलब होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, काउंटेबल तो नंबर आएगा यहाँ पर। ये सवाल मुश्किल लगा होगा बच्चों को। नेक्स्ट आया था फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट क्वेश्चन वर्ड, वेयर डू यू लिव, इसका ये वाला होगा। ये हो गई इंग्लिश, अब चलते हैं साइंस की तरफ। इन विच केस, पहले का होगा सॉल्ट। ये सवाल जो है ना डाउटफुल है, इसको ये पहले भी आ चुका है लेकिन डाउटफुल है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ना वो उतने, पाँच प्लेयर होते हैं वैसे बास्केटबॉल की टीम में, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। मोशन ऑफ व्हील क्या है आपका, सर्कुलर मोशन है। उसके बाद मटेरियल इसका होगा आयरन पीस। नेक्स्ट होगा हाउ मेनी पोल्स आर प्रेजेंट, इसका होगा टू। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसका होगा फ्लूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, वाई डैम्स आर बिल्ट टू होल्ड एंड कंजर्व वाटर। नेक्स्ट व्हाट इज अनदर नेम हॉलो टीथ, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं फैंग्स, इसका बोलते होगा काल बेल या डांस। नेक्स्ट आपको आया था Why do we not get any taste under the tongue? क्योंकि वहाँ पर taste buds नहीं होते, because they do not have any taste buds. Next आएगा mosquitoes find us by all of the above. How many times a tiger can see better? इसका होगा 6 times. Next सारा ये पढ़ाया हुआ है। काजीरंगा कहाँ पर है, आसाम के अंदर है। इसका होगा transpiration. नेक्स्ट आया था आपको विच पार्ट ऑफ सी, सारा पढ़ा हुआ साइंस आई, इसका होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इसका होगा हीलियम, शुगर एंड जैगरी ये हैं प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट आपको आया था फूड स्पॉइल्स कैन बी आइडेंटिफाई बाई फाउल स्मेल, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये है उत्तरकाशी के अंदर। बचेंद्री पाल ने कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ज्वाइन किया था। मलेरिया किससे फैलता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलता है, इसका आंसर ये वाला होगा। अनेमिक पेशेंट आर एडवाइस टू जैगरी आमला एंड मोर ग्रीन लीफी, दिस कंटेन्स आयरन। हाउ कैन यू डिजॉल्व शुगर क्विकली इन वाटर, बाय हीटिंग इट, गर्म कर देंगे तो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द टू वुड यू एबल बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाय स्ट्रेनिंग विद अ क्लॉथ, क्लॉथ से आप कौन सा अलग कर सकते हैं, नहीं चॉक पाउडर को आप अलग कर सकते हैं इसमें से, क्योंकि सॉल्ट तो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, तो चॉक पाउडर को आप उससे अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको आया था कार्विंग्स, इसका होगा बी, इसका होगा सी छैंग थैंग, टू प्ले एज ए टीम, इसका होगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। नेक्स्ट पेट्रोलियम कंटेन्स मैनी थिंग्स, इसका होगा रिफाइनरी। बिफोर 1200 गोलकोंडा फोर्ट वॉज मेड अप ऑफ मड, ये हो गई आपकी साइंस। अब चलते हैं मैथ की तरफ। द टोटल नॉन स्क्वायर नंबर दैट लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 30 and 31, ये होगा आपको 60। इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, 41 इज अ प्राइम नंबर।
अ ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट, इसका होगा जी। नेक्स्ट सवाल आपको था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइंगुलर नंबर, इसका होगा सिक्स। नेक्स्ट है राहुल इज मेकिंग अ बोर्ड ऑफ गेम दैट इज 16 इंचेस बाई। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था राहुल इज मेकिंग अ बोर्ड ऑफ अ गेम दैट इज 16 बाई 14, ही वॉन्ट्स टू यूज द स्क्वायर टाइल, द व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द लार्जेस्ट टाइल, इसका होगा एट। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लाई बिटवीन 150, इसका आप लगा लें 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11 है, 13 है, 19 है, तो आप काउंट कर लें तो इसका हो जाएगा नंबर्स बिटवीन 150, इसका होगा 15, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपको आया था इफ द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज 30 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ये होगा 60 किलोमीटर, इसका होगा 9999। नेक्स्ट सवाल आपको ऑफ क्लॉक, नेक्स्ट सवाल आपको आया था हाउ मेनी डिग्रीज डज द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट मूव फ्रॉम 4 to 10, इसका होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आपको आया था हाउ मेनी राइट एंगल्स आर शोन इन द गिवन फिगर, उसका आंसर होगा 8, इसके अंदर होंगे वो 8 होंगे। अ कंपस टेल्स अस, इसका होगा डायरेक्शन। नेक्स्ट आपको आया था इफ़ यू आर गोइंग टू ईस्ट यू टर्न टू टू द लेफ्ट, कहाँ जा रहे हैं आप, जा रहे हैं आप नॉर्थ में। नेक्स्ट सवाल इसका आंसर होगा दिस। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इसका आंसर होगा 4, इफ द वेट ऑफ 30 लड्डू इज 1 kg देन कितना होगा, 4 kg होगा, इसका आंसर होगा 979। नेक्स्ट सवाल इसका दोस्तों आंसर होगा 68, इसके बाद चलते हैं 73 पे, इसका आंसर होगा 8 टाइम्स, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर होगा 28, इसका दोस्तों आंसर होगा 1/6। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इसका आंसर होगा 7, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर बिटवीन 1 to 20, कितना होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा और होगा 18, आपको बीच में, तो इसका होगा 8, तो ये आपके आंसर हो जाएगा। काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल, इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो इस टाइप का सवाल बच्चों को मुश्किल लगता है। आप देखें यहाँ पर तीन तो ये हैं, ठीक है, ये तीन हो गए पूरे और तीन ये वाले हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए और तीन ये वाले हो गए, तो ये होगा 9 और तीन ये वाले हो गए 12, ठीक है, ये चार पूरे कर लिए हमने। उसके बाद देखिए एक लाइन से अगर आप यहाँ खींचेंगे तो 2 बन जाएंगे, 13, 14, और एक ये वाले लिए अगर आप लाइन खींचते हैं तो 4 ही बन जाएंगे, तो 16 हो जाएंगे, इसका इसका आंसर आएगा 16, इसका आंसर होगा 16। नेक्स्ट शॉपकीपर मिक्स्ड 4.8 kg ऑफ हेजलनट विद 0.48 kg ऑफ रेजिन, ही पैक्ड द मिक्सचर इन टू 4 equal boxes, तो इसमें कितना हो जाएगा, सिंपल इसको दोनों को प्लस करके 4 से डिवाइड करना है, इतना ही हमें करना है इसके अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, आपको डिवाइड करना है, पहले प्लस करना है 4.8 को, प्लस कर देना है 0.48 में, तो ये आपको आ जाएगा 4, और आपको 4 से डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा आपका 1.32, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल इसका आंसर होगा 6, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इसका आंसर होगा 3, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका होगा 1/7। नेक्स्ट इसका आंसर होगा 20 वीक्स, इसका आंसर होगा 18 ईयर्स, तो ये सारे सवाल होगा, एक मैंने छोड़ दिया है, बाकी सबके मैंने आंसर बताया आपको। इसके बाद की वीडियो में बात करेंगे पेपर का लेवल क्या था। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।